अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा होम स्टाइल में पीटा ब्रेड हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ये अरबिक ब्रेड है, इसे हम लोग पीटा ब्रेड कहते हैं। इसके सैंडविच या फिर बहुत तरीके से ब्रेड खाया जाता है। इसे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम फ्लावर, मैदा हमारा है, उसमें ऐड कर लेते हैं 2 स्पून शुगर थोड़ा हल्का स्वीटनेस के लिए, साथ में ऐड कर लेते हैं थोड़ा सॉल्ट, साथ में ऐड करेंगे 2 स्पून कुकिंग ऑयल थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, 1 गिलास में वाटर लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ड्राई ईस्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो हमने फ्लावर में ऐड किया इसमें ऐड कर लेना। इस फ्लावर में आप चाहे तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको मिला के अगर यूज़ करें तो और भी बढ़िया है। अब इसे अच्छे से हमें सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है वाटर ऐड करके। देखिए डो आपका जितना सॉफ्ट होगा, जितना अच्छे से आप डो को बनाइएगा, आपका ब्रेड उतना अच्छा बनेगा। तो इसीलिए जितना मेहनत है इस डो में थोड़ा अच्छे से मेहनत करना है आपको। अभी देखिए इसे थोड़ा सा निकाल के यहाँ जगह क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पर हाथ के सहारे से अच्छे से इसे सॉफ्ट करना है हमें, ठीक है ना। जितना अच्छा आपका डो बनेगा उतना अच्छा आपका ब्रेड बनेगा, इसलिए डो को अच्छे से बनाएं। जब ये हो जाए तो इसे हम रख देते हैं सेट होने के लिए, 1 घंटे के लिए हमें कवर करके रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है ना। अब देखिए 2 घंटा हमारा हो चुका है, अब मैं इसे दिखा देता हूँ आपको कितना ये अच्छा हुआ जालीदार। देखिए हमारे हाथ में चिपक जाएगा ये, देखिए कितना जाली जाली हुआ है, देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्टनेस भी हुआ है, जाली वाला भी हुआ, अच्छा फूलेगा ये। अब इसके छोटे छोटे डो हम कट कर लेते हैं ताकि हमें ब्रेड बनाने में आसानी होगी। देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है डो को। जब आपके सारे डो कट हो जाएं, उसके बाद इसे हमें फ्लैट कर लेना है, थोड़ा बड़े साइज में कर लेना है, रोटी के साइज में बना लेना है इसे। ज़्यादा पतला भी आपको नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी इसको नहीं बेलना है आपको, ठीक है ना। रोलर से मीडियम में इसे रखना है, उसके बाद इसे हमें तावे में ऐड करके इस ब्रेड को पकाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए सारे एक बार आगे आप कर लीजिए ताकि अच्छा से ये फूलेगा। तावा हल्का गर्म होना चाहिए आपका, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। उसके बाद इसे पलट देते हैं, देखिए ये खुद ब खुद फूलेगा माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा ये फूल रहा है, इसको फिर पलट देते हैं ताकि यार अच्छा से हो जाए। देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है। अगर आपको ये पीटा ब्रेड की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।